तो नमस्कार दोस्तों, टेक ब्रेड प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप भी अपने फोन में YouTube का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप बहुत ढेर सारे वीडियो देखते हो तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको यूट्यूब के अंदर छिपे हुए 5 ऐसे गजब के खतरनाक अल्टीमेट फीचर एंड ट्रिक के बारे में बताया है, जिसके बारे में यदि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अपने फोन के YouTube के अंदर अगर आप कर लेते हो तो YouTube की दुनिया में बिल्कुल आप तहलका सा मचा सकते हो। ये सब करने के बाद आप YouTube को चलाने में एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 5-5 ट्रिक बताने वाला हूं, इसमें से कुछ न्यू अपडेट भी है। तो अगर आज भी इस 5 ट्रिक के बारे में सबसे पहले सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले हमारे इस वीडियो को आपको लाइक करके एक प्यारा सा सपोर्ट जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सेट करना ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है मिल पाए। सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर करके कमेंट के अंदर यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना, यार नाइस वीडियो लिख के आपको फीडबैक दे देना है। तो बस ये छोटी सी काम कर लेने के बाद YouTube के अंदर कौन ऐसी 5 खतरनाक ट्रिक है इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले ट्रिक की ओर चलते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम जैसे कि YouTube के अंदर आ गए तो आप भी YouTube के अंदर आ जाना। तो YouTube के अंदर आइएगा तो पहला ट्रिक क्या है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे वीडियो चल रहे हैं मेरे YouTube के अंदर। दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर आ रहा हूं तो ये देखिए वीडियो ऑटोमेटिक अपने आप ही प्ले हो गया। दोस्तों मैं इसका थंबनेल देखना चाह रहा हूं तो देख ही नहीं पा रहा हूं, देख लीजिए मैं जैसे ही जाता हूं तो ये ऑटोमेटिक वीडियो चलने लगता है। इससे एक चीज होता है, बैटरी तो खत्म होता है साथ साथ ही आपका डेटा भी खत्म होता है, और दूसरा क्या होता है कि आप इसका जो थंबनेल नहीं देख पाते हो और ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो जाता है, तो इससे ना हम काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, आप भी इरिटेट हो जाते होंगे, मतलब एक तरफ से परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज को कैसे बंद कर सकते हैं, इससे भी काफी सारे फायदे होंगे, जैसे थंबनेल देख लेंगे और इसका हम जो है डाटा भी बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जब चलते रहता है तो डाटा भी खत्म होता है। तो इसे कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इधर देखिए आपको मिलेगा, आपको प्रोफाइल ऊपर मिल जाएगा जिससे आपने YouTube को लॉग इन किया है। सेटिंग में आ जाना है आपको, सेटिंग में जैसे आओगे तो जनरल मिलेगा, जनरल पर क्लिक कीजिए, यहां पर आपको दोस्तों मिल जाएगा, ध्यान से देखिए प्ले फीड इन फिट्स होगा, यहां पर देखिए प्लेबैक इन फिट्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और ये आपका अलाउड में दिया रहेगा या तो वाईफाई ओनली में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसे ऑफ कर देना है। ऑफ जैसे ही करोगे और सिंपली यहां से जब आप बैक आओगे तो अब देखना मेरा जो भी है यहाँ पर थंबनेल सब कुछ दिखेगा, अपने आप ये नहीं चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो, फिर जैसे हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा कमाल का है दोस्तों। तो ये पहला ट्रिक था, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब सेकेंड नंबर का ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये आपके डाटा को काफी ज्यादा सेफ ही रखने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप अपने फोन पर रात को वीडियो देखते ही रहते हो, जैसे कि मैंने ये एक वीडियो को ऑन कर लिया, ये वीडियो को मैं चला रहा हूं, रात हुआ जैसे ही मैंने चालू कर दिया 7-8 बजे से, देखना आप देख रहे हो दोस्तों, और इसी वजह से आपका आप जो है सो गए, चलाते चलाते आप जो है सो गए, मतलब कि जरूरी है दोस्तों आप चलाते चलाते रात को तो सो ही जाते होगे। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि ये वीडियो चलेगा और ऑटोमेटिक ये खत्म हो गया, तो देखिए यहां पर जैसे ही खत्म होगा तो ऑटोमेटिक जो है यहां पर नेक्स्ट वीडियो भी चलने लगेगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक चलते ही रहेगा तो आपका डाटा है जो खत्म हो जाएगा, जब सुबह जगोगे तो पता ही नहीं चलेगा आप सबको कि डाटा कैसे खत्म हो गया दोस्तों। तो ये भी काफी ज्यादा परेशानी हो जाता है कि ऑटोमेटिक चलते रहता है, तो लेकिन आप चाहो तो कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो जिसकी वजह से कि आपका डाटा फालतू का खत्म नहीं होगा और आप सो भी जाओगे तो ऑटोमेटिक YouTube बंद हो जाएगा। तो कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, इधर प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले सेटिंग पर आना है, और यहाँ पर देखिए ऑटो प्ले वीडियो मिलेगा, इस सेटिंग को चालू कर देना है दोस्तों, क्योंकि ऑटो प्ले पर रहता है ना तो आप वीडियो चला के अगर सो गए तो वो वीडियो जैसे खत्म होगा तो नेक्स्ट वीडियो चलते ही रहेगा, तो ये भी सेटिंग करना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आपको जनरल में आ जाना है दोस्तों, और यहां पर मिलेगा रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक, आप रात को सो जाते हो तो ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो यहां चाहो तो कुछ आप सेट कर सकते हो, इस सेटिंग को आपको चालू करना है, और जब भी YouTube देखेंगे आपको लगता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे या आधा घंटे के बाद सो सकते हैं तो आपको यहां पर वही टाइम को आपको यहां पर सेट कर देना है, जैसे हमको लगता है कि हम आधे घंटे के अंदर सो जाएंगे,
जैसे आधे घंटे, तो आधा घंटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 मिनट, या तो आप एक घंटा 1.5 मिनट दे सकते हो। जैसे यहाँ पर सेट कर दोगे, जैसे जितना भी करने का मन हो आप जैसे कर दोगे, तो इतना घंटा जैसे चलेगा आपका यूट्यूब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे ये होगा दोस्तों कि आप रात को यूट्यूब चलाते चलाते सो भी गए हो तो नेक्स्ट वीडियो है जो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा, जिससे कि आपका डाटा भी बचा रहेगा। तो दोस्तों ये था सेकेंड मेरा ट्रिक, कैसा लगा आप सबको, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए दोस्तों अब थर्ड नंबर का ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। थर्ड नंबर का एक अपडेट है दोस्तों, जिसके बारे में आप सबको डेफिनेटली जानकारी होना चाहिए, आपको यूज करने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक वीडियो को यहां पर प्ले कर दिया जो कि यहां पर आप सब देख रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो को हम देख रहे हैं और हमें स्क्रीन को कुछ इस तरीके से बड़ा करना रहता है दोस्तों, इस तरीके से बड़ा जो करके देखते हैं तो हम यहाँ पर जो क्लिक करते रहते हैं, कभी कभी तो यहाँ पर क्लिक नहीं होने की वजह से कुछ और हो जाता है दोस्तों, तो काफी ज्यादा दिक्कत होता है दोस्तों। मतलब कि हम इस तरीके से वीडियो नहीं देख पाते हैं, बार बार हमें छोटा करना होता है, तो यहाँ पर क्लिक किया तो फिर छोटा होगा और मैंने यहाँ पर क्लिक किया तब बड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, YouTube में अपडेट आने के बाद ये तरीका अब बदल चुका है। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन बड़ा करना है तो बस इसको ऊपर की साइड इस तरीके से खींचिए और आपका स्क्रीन जो है बड़ा हो जाएगा, और इसे मान लीजिए आपको छोटा करना है तो जस्ट ऐसे कीजिए और आपका ये स्क्रीन देख लीजिए मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। तो ये अपडेट काफी ज्यादा यूजफुल है, इसके बारे में तो जानकारी डेफिनेटली हर चीज को हर लोगों को होना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए आपके लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक करें इस ट्रिक के लिए जो कि हमने बताया है, तो काफी ज्यादा मजा भी आता है इसे यूज करने में। तो थर्ड नंबर का ट्रिक ये था, कैसा लगा दोस्तों आप सबको हमें कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। तो चलिए फाइनली चार नंबर का ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके डेटा को, काफी ज्यादा ये चौथे नंबर का ट्रिक सेफ रखने वाला है दोस्तों। इसके लिए क्या करना है सिंपली वो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि दोस्तों आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखते हो, यहां पर मैंने जैसे कि यही वीडियो देख रहा हूं, तो आप सबको पता होगा कि YouTube पर वीडियो देखते हैं तो हाई क्वालिटी में चलने की वजह से आपके फोन का है जो डेटा, यहां पर देख लीजिए जैसे कि मैंने यहां पर किया सेटिंग और यहां से मैंने क्वालिटी कर दिया 1080 पर कर दिया, अब तो जो है क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। तो अब तो मेरे फोन का नेट भी बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होगा, ये तो आप सबको पता होगा दोस्तों, जितना ज्यादा क्वालिटी को हम इंक्रीज करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपका डेटा खत्म होगा, ये आप सबको पता होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने फोन के अंदर कुछ सेटिंग कर लेते हो उसके बाद अपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखे हो कितना भी क्वालिटी करके, तो दोस्तों आपका ना पहले देखिए डाटा तो खत्म होगा दोस्तों, लेकिन पहले से ज्यादा आपका बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि आपका 50% भी डाटा इससे बच सकता है दोस्तों। तो ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ अलग ट्रिक बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है ध्यान से देखना, आपको इधर देखिए प्रोफाइल मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर मिलेगा डेटा सेविंग, डेटा जैसे सेविंग क्लिक होता है तो आप सब ये सेटिंग जरूर चालू करते रहोगे, आप सबको पता होगा इससे डाटा सेफ रहता है। जरूर दोस्तों ये सेफ रहता है क्योंकि ये खुद ही एडजस्ट करके डाटा को काफी ज्यादा सेफ रखता है, लेकिन क्वालिटी जब हम बढ़ाते हैं तो उसको ये सेफ नहीं कर पाता है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। इस सेटिंग तो आपको चालू ही रखना है, लेकिन यहां पर दो सेटिंग को बंद करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों बंद कर लेना है, सबसे पहले यहां पर रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, इसको आपको बंद कर देना। इससे ये होगा दोस्तों, ये सेटिंग कर दोगे तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कितना भी कर दोगे आपका डाटा सेव रहेगा, रिक्यूज यानी कि आप क्वालिटी बढ़ा भी दोगे तब भी ये डाटा को सेव रखेगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, ये भी आपको बंद करना है। ये सेटिंग जैसे दो बंद करोगे, एक और सेटिंग को आपको बंद करना है फोन के अंदर, यहां पर मिलेगा वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस, इस पर क्लिक कर लेना और यहां पर इसको डाटा सेवर में देना है दोस्तों, इसको भी डाटा सेवर में। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप YouTube पर आप कितना भी जो है क्वालिटी बढ़ा के दो, क्योंकि तो क्वालिटी भी अच्छा देगा और साथ साथ ही आपका डेटा है जो पहले से बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कम होगा दोस्तों, मतलब खर्च बहुत ही कम होगा और आपका डाटा सेव भी रहेगा। तो ये था दोस्तों चार नंबर का ट्रिक, कैसा लगा आप सबको, डेफिनेटली फोन के अंदर यूज करना, आपका डाटा देखना, प्रैक्टिकली करोगे तभी आप सबको समझ आएगा, ऐसे नहीं। तो ये था चार नंबर का। तो चलिए अब दोस्तों आखिरी और पांच नंबर का ट्रिक क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, काफी ज्यादा ये भी ट्रिक यूजफुल रहने वाला है, तो ध्यान से देखना दोस्तों। पांचवें नंबर के ट्रिक के लिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि दोस्तों आपके घर में बच्चे तो जरूर रहेंगे दोस्तों, आपके घर में कोई बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे कि आपसे ज्यादा तो आपके बच्चे आपके फोन पर यूज करते हैं, यानी कि आपका फोन रहता है तो आपसे ज्यादा आपका बच्चा आपके फोन को यूज करते रहता है। आप उसको दे देते हो, आपके छत पर चले जाएगा या तो कहीं एक बगल में रूम बंद करके वो देखते रहेगा मस्त,
आपको तो पता नहीं चलेगा दोस्तों कि उसने YouTube में क्या देखा है क्या नहीं देखा है। तो आपके पास एक उपाय रहता है कि मतलब वो जो जो वीडियो देखा है वो तो वही जानता है दोस्तों, लेकिन आप उसके एक तरीके से नजर रखना चाहते कि उस वो जो है कुछ गलत वीडियो तो नहीं देख रहा है। एक टेंशन हो जाता है दोस्तों कि गलत वीडियो देखेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो आप क्या करते हो, इधर लाइब्रेरी में आते हो और आप यहां से क्या होता है कि हिस्ट्री यहां से देख लेते हो, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ठीक ठाक ये तो वीडियो है दोस्तों। लेकिन बच्चे भी आजकल के बहुत ज्यादा चलाक हो चुके हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, जो जो गलत वीडियो रहेगा उसको यहाँ पर क्लिक करके, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके वो इस वीडियो को यहाँ से रिमूव कर देगा। इस तरीके से देखिए आपका है जो रिमूव कर देगा, यहाँ पर देखिए रिमूव कर देगा और वो तो आपको दिखाएगा कि मैंने अच्छा अच्छा वीडियो देखा है। लेकिन दोस्तों आप चाहो तो स्ट्रिक की मदद से वो कितना भी यहाँ से पूरा हिस्ट्री ही क्यों ना रिमूव कर ले, आप उसका पूरा जन्म कुंडली दिखा सकते हो कि वो आखिर क्या क्या देखा है। तो कैसे देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रिक है। अगर ये ट्रिक पसंद आया तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको आना है प्रोफाइल पर, सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर मिलेगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कीजिए, मैनेज ऑल एक्टिविटी होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आएगा दोस्तों, वो वहां से कितना भी डिलीट कर ले दोस्तों, लेकिन यहां से वो डिलीट कर ही नहीं सकता। यहां पर देख सकते हो सारा हिस्ट्री बचा हुआ है, ये देखिए मैंने डिलीट किया था लेकिन यहां पर सब कुछ दिख रहा है। तो काफी ज्यादा यूजफुल ट्रिक हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर मुझे ऐसे YouTube के अंदर छिपे हुए 5 ट्रिक के बारे में बताना था दोस्तों, जो कि मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगा है। उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।